आइए जानते हैं इन अद्भुत रंगों की कहानी। 1665 में आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले सूरज की रोशनी के राज को खोला। जब न्यूटन ने प्रिज्म से सूरज की रोशनी को गुजारा तो इसमें से कई सारे रंग निकले, जिसने न्यूटन को चौंका दिया। और इन बिखरे हुए रंगों को न्यूटन ने बाद में स्पेक्ट्रम का नाम दिया। और लाइट्स को बिखेरने वाला ये प्रिज्म कुछ यूं काम करता है कि देखो, जब ये लाइट एयर या स्पेस में आगे बढ़ती है तो इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जब ये लाइट किसी प्रिज्म यानी कांच या किसी एंगल से टकराती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और प्रिज्म में हर कलर की स्पीड धीमी होने की वजह से लाइट में मौजूद हर कलर अलग हटकर चलने लगता है, जिससे हमें ये रेनबो यानी स्पेक्ट्रम दिखता है। बाद में न्यूटन ने इस लाइट में मौजूद कलर्स को और गहराइयों से समझा। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए।